It's not just dance. It's where I find my expression. Where every step is a word in my story of grace. It's a heartbeat of passion and tradition. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यही। चुनावी चकल्लस को लेकर आ रहा है आई इंडिया नेताजी दिन भर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर हर बार की तरह आपके लिए होली से रिलेटेड जानकारियां लेके आई हूं। नए संवत 2081 का आरंभ चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होना जा रहा है। आचारगणों के मुताबिक संवत के लागू होने का जो नियम है, इसके अनुसार जो तिथि जिस समय से लगती है उसी समय से संवत का स्वामी तय किया जाता है। इस साल संवत किस तारीख को प्रारंभ हो रहा है, इस वर्ष का राजा कौन होगा और इसका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य संदीप शुक्ल धनंजय जी महाराज। राधे राधे आचार्य जी। राधे। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इस साल किस नाम का संवत होगा और संवत का राजा कौन होगा। देखिए, सर्वप्रथम तो ये बता दें कि संवत सर का राजा मंगल होगा। जिस दिन से संवत सर का प्रारंभ होता है, वही जो है स्वामी होता है। तो इस बार मंगलवार से संवत सर का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए राजा मंगल होगा। और जो है एक जो आपने पूछा कि संवत का नाम क्या होगा, इसमें थोड़ा सा भ्रामक स्थिति भी उत्पन्न होती है, क्योंकि जो हमारा काशी विश्व पंचांग है वो बता रहा है कालयुक्त नाम का संवत, और जो हमारा अन्य पंचांग जो है वो पिंगल नाम के संवत को बता रहे हैं। उसका कारण भी हम आपको स्पष्ट कर दें, पूर्व समय में आनंद नाम का संवत्सर था, उसका क्षय था। जैसे तिथि क्षय होता है, उसी प्रकार से संवत्सर क्षय हुआ है, जिसके कारण वो आनंद नाम का संवत्सर नहीं था। इसके कारण जो विश्व पंचांग है वो कालयुक्त नाम के संवत्सर को दे रहा है, और कालयुक्त नाम का ही संवत्सर सर्वमान्य माना जाएगा, वर्ष पर्यंत संकल्पादि में योजनीय रहेगा। जी, तो बड़ी अच्छी जानकारी दी आचार्य जी ने कि जिस दिन से संवत लागू होता है उस दिन का नाम ही राजा होता है, यानी कि मंगल राजा। जी, तो किस राशियों के लिए यह संवत लाभकारी है? देखिए, लगभग जो है कुछ राशियों के लिए जो है ये जो है सर्वोत्तम रहेगा, बाकी कुछ के लिए जो है ये जो है इसका दुष्प्रभाव भी रहेगा। तो जो है जिनके लिए दुष्प्रभाव रहेगा उनके लिए सिर्फ जैसे शनि की ढैया है या साढ़े साती है, ऐसे जो प्रभाव रहेंगे उन प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी की उपासना, भगवान शिव की उपासना, ऐसे उपाय करके जो है लाभ लिया जा सकता है, और विशेष रूप से कोई कष्टकारी संवत नहीं रहेगा। तो ये कौन कौन सी राशियां होंगी आचार्य जी? इनमें जैसे कुंभ राशि है, और कर्क राशि है, मिथुन है, और वृष राशि, ये कुछ राशियां हैं जिनके लिए, और बाकी इस पर विस्तृत चर्चा के लिए तो बहुत समय होना चाहिए। जी, तो जी। बाकी कुछ राशियों की जो मैंने आपको जो है विस्तृत बताया, इतने मतलब कि ये जी हाँ, इन इन राशियों के लिए लाभकारी है। जी जी जी। तो संवत के दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए आचार्य जी? हाँ, उसके लिए संवत्सर के दुष्प्रभाव से बचने के लिए तुलादान, जिस जिन राशियों के लिए जो है संवत्सर का जो है खराब योग चल रहा है, ऐसे लोगों के लिए तुलादान, और भगवान शिव की आराधना, भगवान हनुमान की आराधना, ऐसे उपाय करने से व्यक्ति इन कष्टों से छुटकारा पा सकता है, या संवत्सर के जो कुप्रभाव हैं उनसे वो जो है मुक्त हो सकता है। तुलादान मतलब, जैसे बहुत से लोग नहीं जानते होंगे आचार्य जी, तो जरा इसका आप वो कर। तुलादान ये होता है कि
तराजू का पूजन करके भगवान नारायण का स्मरण करते हुए हाँ। एक तरफ व्यक्ति स्वतः बैठता है, दूसरे तरफ उसके वजन भर का भार का अन्न वो जो है रख करके दान किया जाता है किसी वेद पाठी ब्राह्मण को, या जो है जो दरिद्र नारायण है उनमें वो वितरण कर दिया जाता है। तो उससे जो है व्यक्ति को संवत्सर से जो संवत्सर का जो कुप्रभाव है उससे मुक्ति मिलती है। तो जितना व्यक्ति का वजन हो और उतने ही वजन का अनाज दान किया जाए वो तुला दान होता है। बड़ी सटीक जानकारी दी आचार्य जी ने। तो आचार्य जी ये बताइए कि मंगल नाम के संवत से देश और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि जैसे इसका स्वामी है जी। तो मंगल जब स्वामी होता है, मंगल का उग्र स्वभाव होता है, राशियों के प्रायः जो है स्वभाव होते हैं, तो मंगल का जो उग्र स्वभाव माना जाता है, तो बहुत ही उग्रतापूर्ण जो है वातावरण रहने वाला है जी। देश समाज में जो है आपसी वैमनस्य की स्थितियां बढ़ने की या एक दूसरे देश से जो है विवाद की स्थितियां बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा बनी रहेंगी, ऐसा इस संवत्सर का योग बनेगा। मतलब बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा जा ये संवत, हमारा मंगल संवत जी, जी, जी। तो ये इस नए संवत का वास या कह लें कि कहाँ रहेगा, है ना? हाँ, ये जो है कुंभकार ग्रहे जाता, कुम्हार के घर में संवत्सर का वास रहेगा जी। और कुम्हार के घर में रहने पर जी बहुत भीषण गर्मी, जैसे कुम्हार जहाँ पर अपने बर्तन पकाता है हाँ जी, वहाँ पर जैसी गर्मी होती है वैसी गर्मी का जो है आभास पूर्व से ही हमारे जो पूर्वज रहे हैं या हमारे जो ज्योतिष वैज्ञानिक रहे हैं उन्होंने इन्हीं संवत्सर के वास से ही जो है मौसम का पता लगाया है। तो कुम्हार के घर में जब संवत्सर होता है तो भीषण गर्मी होने का जो है अंदेशा लगाया जाता है, तो गर्मी पड़ने की जो है ज्यादा संभावना व्यक्त की जा सकती है जी। तो आपने बड़ी सुंदर और सटीक जानकारी दी हमारे दर्शकों को और हमें भी। राधे राधे आचार्य। राधे राधे। चुनावी चकल्लस को लेकर आ रहा है आई इंडिया नेताजी दिन भर में। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।